प्रोफेसर पूरन सिंह होरी कहिंदे मेरे मन दे विच इह भावना बन गई कि मैं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की तस्वीर बनावां। भावना वालियां दी दुनिया वक्री हुंदी है। कहन लगे मैं सब तो पहला पटना साहब की धरती ते गया जिथे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का प्रकाश हुंदा है। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भाव लयो। जिथे प्रकाश धारण का कारण गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी आप दस रहे ने, हम एक काज जगत मो आए धर्म हेत गुरदेव पठाए। कहंदे मैं किसी खास कार्य करन वास्ते आया, धर्म हेत गुरदेव पठाए, धर्म वास्ते आया। चेता रखियो धर्म की है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, ये धर्म का मूल है। इस तो बिना धर्म फिक्का है। मते सानू बहुत सारी दुनिया आखी जाए भी तुसी गुरुद्वारे बैठ के वाहगुरु वाहगुरु करी जाने हो। जदों गुरबाणी पढ़ोगे ना गुरमुखो, इन्हां शंकावादियां दा उत्तर तुहानू देना सौखा हो जाऊ। धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहां कहा तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकर पछारो, याही काज धरा हम जन्मंग, समझ ले हो साधु सा मनमंग, धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। प्रोफेसर पूरन सिंह जी कहंदे मैं पटना साहब की धरती ते पहुंचया, जाके गंगा दे किनारे गंगा नदी दे वहिंदे पानी नाल गल कीती। ऐ चलदे हुए पानी तेरा किनारा किन्ने भागां वाला, जिथे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी लगभग 6 साल का समा चरण पाउंदे रहे। इत्थे बाल लीला दे बेअंत कौतक कीते। शिव दत्त वर्गे भगतां नूं रब्बी प्यारियां नूं निवाजिया, ऐ गंगा दे पाणी तूं बोल के मैनूं दस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी किस तरह दे सन, मैं उन्हां दी तस्वीर बना लवां। बैठे रहे, नदी नाल गल्लां करदे रहे, पर कोई जवाब नहीं मिलिया। रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी। कहंदे उत्थों चल के फिर आनंदपुर साहब आ गए। आके दरिया सतलुज दे कंढे बैठ के सतलुज दे पानी नाल गल्लां करन लगे। ऐ दरियाए सतलुज, तेरे कंढे ते भागां वाले ने जिथे बैठ के अक्सर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी रहरा साहब का पाठ करते होंगे। गुरसिखा ने कोल बैठ जाना। ऐ सतलुज दे पानिया तू दस गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी किस तरह के सन। कोई जवाब नहीं मिलिया। पौंटा साहब की धरती ते गए, बैठ गए जमुना के कंढे। ऐ जमुना, ना गंगा कुछ बोली, ना दरिया सतलुज कुछ बोलिया, तू ते कुछ बोल। पर ध्यान देना गुरमुखो, जमुना ते है ही इस तरह की जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने बोल के आख्या सी चुप कर जा, इतों खामोश होके लंघी। असी करते दी याद विच जुड़ना है, इत्थे रौला नहीं पाउणा। उहनूं ते सदा दी खामोशी दे गए, वह किवें बोल सकदी सी,
कहिंदे फिर उठ के तुर पिया पहुंचिया नादेड़ दी धरती ते। गोदावरी दे कंडे जाके बैठ गया। गोदावरी तू ही कुछ बोल के दस दे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी किस तरह दे सन। गोदावरी भी चुप है। कहिंदे फिर मैं उठ के चला गया, जाके तख्त साहब दे दर्शन कीते। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी नीज ला के दीद पाई। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे सामने सजे हुए शस्त्रां नूं ध्यान नाल देखिया, दर्शन कीते ते कहिंदे फिर मैनूं आवाज सुनाई दित्ती, पूरन सिंघा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी तस्वीर बाहर नहीं बनदी, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी तस्वीर खालसे दे हिरदे विच बनदी है, दिल विच बन सकती है। वो खालसा जिहड़ा मलम्मे तो मिलावट तो रहत हो गया, पूर्ण जोत जगह घट मैं तब खालस ताहे नखालस जाने। उस खालसे दे जीवन विचों उहदी अंतर आत्मा दे विचों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे दर्शन हो सकदे आ। ते ध्यान देना गुरमुखो, ये केवल संकल्प नहीं, केवल कोई उडारी नहीं। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहब छड्डिया सी ना, ते गुरबख्श उदासी नूं सेवा दित्ती सी, महाराज सच्चे पातशाह जी ने आग्या कीती सी तुसीं इत्थे रहना, अस्थान की सेवा संभाल करनी, जोत जगानी, धूप बत्ती करनी। ते गुरबख्श उदासी जी ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे रो के चरण फड़ के बेनती कीती सी, महाराज जी आप जी दे दर्शनां तो बिना जी नहीं पावांगा, किवें जी लगेगा तुहाडे बिना। ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आख्या सी, भाई गुरबख्श जी जदों अमृत वेले उठ के जपजी साहब का पाठ करोंगे, जाप साहब का पाठ करोंगे, चित ला के गुरु के शब्द का जाप करोगे, उस तो बाद अपने चेहरे नूं देख लिया करो, तुहाडे चेहरे विचों ही साडे दर्शन होया करनगे। तुहाडे अपने ही अंदरों मेरे दर्शन होणगे।